दवलामिट्टी गांव को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा वेरा से जलापूर्ति हो रही है, लेकिन बीते 6 माह से दूषित जलापूर्ति होने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आया है। दूषित जलापूर्ति को लेकर अभियंता नरेश चंदवारी को जिला परिषद सदस्य ममता दोपटे ने कई बार शिकायत की, लेकिन आला अधिकारियों ने शिकायत को गंभीर नहीं लिया, दूषित जलापूर्ति को बंद नहीं किया। आखिर दोपटे ने पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार को शिकायत की। केदार ने दवला मेटी में शनिवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई व दूषित जलापूर्ति की पानी भरी बोतल अधिकारी को भेज दी। केदार ने कहा कि पैसा जितना लगे बताओ, कम नहीं होने देंगे, लेकिन गांव की पानी समस्या 8 दिन के भीतर करने का अल्टीमेट दिया, नहीं करने पर 8 दिन बाद बैठक लेकर क्या करना है यह निर्णय मैं लूंगा। यह चेतावनी केदार ने बैठक में अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने शुद्ध जलापूर्ति होने का दावा किया। वहीं जिला परिषद सदस्य ममता धोपटे ने मंत्री के समक्ष अधिकारियों की गलती का पाड़ा पढ़ाया। दवलामिट्टी गांव करीब 30,000 आबादी का गांव है। यहां पर ग्राम पंचायत की पानी के लिए कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जलापूर्ति करता है, लेकिन दूषित जलापूर्ति होने से गांव का स्वास्थ्य खतरे में आया है। डायरिया पीलिया जैसी बीमारी का शिकार लोग हो रहे हैं। कोरोना काल में गांव दूषित जलापूर्ति से परेशान है। पंचायत सदस्यों ने भी AMGP को बार बार आवेदन कर दूषित जलापूर्ति समस्या से अवगत कराया, लेकिन आला अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। अब मंत्री सुनील केदार के दिए आदेश पर AGMP कितनी खरी उतरती है, इसकी ओर दवलामिट्टी गांव की नजरें लगी है। बैठक में मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में जिला परिषद सदस्य ममता धोपटे, नागपुर पंचायत समिति सभापति रेखा वर्टी, SDO इंदिरा चौधरी, तहसीलदार मोहन टिकले, खंड विकास अधिकारी सुभाष जाधव, दवलामिट्टी सरपंच रीता उमरेडकर, उप सरपंच प्रशांत केवटी, विस्तार अधिकारी विष्णु पुटभरी, ग्राम पंचायत सदस्य सिद्धार्थ ढोकी, प्रकाश मेश्राम के साथ ग्रामवासी उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।